नमस्कार, मैं विवेकानंद, आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। अभी हम यानी कि आपको बताना चाहेंगे, अभी हम शीतल पे हैं और रास्ते से हम जा रहे थे तो यहाँ पे हम देखे कि तेजस्वी परियोजना से नशा मुक्त अभियान चला रहा था, तो हम थोड़ा रुक के सोचे कि इन सबसे बात कर लिया जाए और इन सब के बारे में जानकारी ले लिया जाए। आखिर जो इन लोगों ने नशा मुक्त अभियान चला रहा, आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है नशा मुक्त अभियान TC शीतल और 26/6/22, और साफ शब्दों में लिखना है कि नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है, ना करेंगे ना करने देंगे, नशे से देश को बचाएंगे, ऐसा अभियान इन लोगों ने चला रहा है। और हम और कुछ लड़कियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे थोड़ा सा। आपका नाम क्या हुआ? आयशा खातून। तो इन्हें क्या आप लोग क्या चीज़ का संदेश दे रहे हैं? नशे अभियान। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, जो दारू वगैरह पीता है उसको क्या कहना चाहेंगे? उसको यही कहना चाहेंगे कि दारू वारू नहीं पीना है, उससे बीमारियां फैलती है। तो आपको क्या लग रहा है कि दारू पीने से हमारा देश में हमारा समाज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना? हाँ। इसीलिए आप लोग जागरूक कर रहे हैं। हाँ। आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग जान रहे हैं कि देश में जो शराब जो बहुत सारे लोग पीते हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि एक अभियान के द्वारा सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप नशे मुक्त हुए, क्योंकि नशे से बहुत सारी बीमारी बहुत सारा खतरनाक रोग होता है। और जो क्लब का नाम क्या है? तेजस्वनी क्लब शीतल। इसी के माध्यम से आप लोग जो ये जो चला रहे अभियान हर एक जगह चल रहा है? जी सर। किसके द्वारा चल रहा है ये? चल रहा है IGS, मतलब जो है जिला कल्याण जो है पदाधिकारी। हाँ। उन्हीं के लेटर द्वारा चलाया जा रहा है, उन्हीं के माध्यम से। इतना जगह आपका जो क्लब है, तेजस्वनी परियोजना क्लब है, जहाँ जहाँ पे चल रहा है, तो हर एक जगह इसका इस अभियान को चलाया जा रहा है ताकि हमारा देश हमारा समाज जो है शराब से मुक्त हो सके। क्या लग रहा है कि आप जो योजना को चला रहे, इस योजना से कुछ सुधार होगा? हम तो चाहते हैं कि सुधार हो, लेकिन अब आदमी को हम लोग जागरूक कर सकते हैं। अब आदमी पर तो ये नहीं है कि जोर के उसको ज़बरदस्ती करना, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो देश है नशा मुक्त हो, नशा मुक्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप चाह रहे हैं कि सही कह रहा है कि हम चाह हमने कोई भी व्यक्ति किसी को प्रयास करा सकता है कि आप नशा मुक्त होइए, नशा मत कीजिए, बता सकता है। लेकिन इनका कहना रहा कि हम जो है यानी कि प्रयास कर रहे हैं कि आदमी जागरूक हो सके ताकि आदमी को नशा या गलत चीज़ का उपयोग ना करें। हाँ। हम आशा दीदी बोल रहे हैं, नशा को हम जरूर जड़ से मिटाएंगे, इसलिए जड़ से हम मिटाएंगे। हम मेडिकल विभाग से हैं और जिस आदमी को हम समझाएंगे वो समझेगा पक्का। हमारा जो है ना पक्का शपथ है मेडिकल स्टाफ का कि हम जो है नशा को जड़ से मिटाएंगे, इसलिए मिटाएंगे कि नशा करने वाले घर पर भी गरीबी आती है, उसका परिवार बहुत दुखी रहता है, इसलिए हम लोगों के पास वो शिकायत करती रहती है, इसलिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं जड़ से मिटाने के लिए। लेकिन नशा करने से गरीबी आती है, आप लोग को शिकायत करती रहती है कि दारू पीने से हमारा का स्थिति खराब है, अभी भोजन नहीं है, घर में पानी नहीं है, क्या करेंगे, दो पैसा कमाता है मेरा हस्बैंड और इधर उधर बुढ़ा देता है, क्या करेंगे दीदी। इसलिए जो है हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं जड़ से मिटाने के लिए। सर गाँव गाँव में हम लोग बोलते हैं, आदमी को समझाते हैं कि पहले तो रोग से ग्रस्त रहते हैं, उसके बाद घर का खर्ची घट गया, इसलिए बाल बच्चा को आगे कैसे बढ़ाइएगा, स्कूल कैसे जाएगा, स्कूल में थोड़ा खर्च पड़ता है, जैसे बच्चे सबको कपड़ा कहाँ से दीजिएगा, खर्चा पानी, इससे जो है ना नशों के कारण घर का स्थिति खराब हो रहा है। आपका कहने का मतलब है कि नशों के कारण से घर का स्थिति खराब हो जाता है, बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है, मतलब बहुत तरह की तो बीमारी है, दूसरी बात घर में बच्चे को या घर का स्थिति बहुत ही खराब रहता है। नशों के कारण से आप जान रहे कि बहुत सारा घर उजड़ जाता है और बहुत सारे घर में बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाता है, बहुत घर का स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाता है। हम थे और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमको कि नशा मुक्त अभियान चला रही है, महिला लोग बहुत ही जागरूक कर रहा है। तब तक आप देखते रहे जो आने